एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। इसका एक बेटा था जो कि बहुत ज़्यादा कामचोर और आलसी था। बूढ़ा आदमी उसके आलस्य और काम चोरी की वजह से बहुत परेशान था। वह उसे सबक सिखाना चाहता था। एक दिन उसने अपने बेटे को बुलाया और बोला, बेटा, उस कमरे की अलमारी में एक घड़ी है, उसे ले आओ। वह जाकर अलमारी से उस घड़ी को ले आया। तब उस बूढ़े ने कहा, बेटा, इसे अपने साथ बाजार लेकर जाओ और इसकी कीमत का पता लगा कर आओ। उनका बेटा उस घड़ी को लेकर बाजार चला गया और वहाँ सबसे उसने घड़ी की कीमत पूछी। सबने उस घड़ी की कीमत अलग अलग बताया। किसी ने 500, किसी ने 600, किसी ने 800 और कोई 1000 बोल रहा था। बेटा वापस अपने पिताजी के पास आया और उन्हें घड़ी की कीमत के बारे में बताया और फिर बूढ़े आदमी ने उस घड़ी को वापस अलमारी में रखने के लिए कहा। अगली सुबह फिर अपने बेटे को बुलाया और फिर से उसे अलमारी से घड़ी लाने के लिए कहा और बोला, फिर से इस घड़ी को बाजार लेकर जाओ और इस बार इस घड़ी में चल रहे समय का पता लगा कर आओ। उनका बेटा यह सोचता हुआ वहाँ से निकल गया। ये पिताजी मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? वह दुखी मन से सबसे उस घड़ी में चल रहे समय को पूछने लगा। बाजार के सभी लोग उसे पागल कहकर भगा देते। लोग बोलते, यह तो पागल है, कल कीमत पूछ रहा था और आज समय पूछ रहा है। लोगों की बातें सुनकर वह बहुत दुखी हो गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता ने ऐसा करने के लिए क्यों कहा। अंत में वह एक बूढ़े आदमी के पास पहुंचा, उन्हें अपनी सारी बात बताई। वह समझ गए थे इसके पिता ने ऐसा करने के लिए क्यों कहा। उस बूढ़े आदमी ने फिर बड़े ही प्यार से उसे समय के बारे में बताया जिसे कि वह गंवाया जा रहा था। उस बूढ़े ने उसे समय की कीमत के बारे में समझाया कि जिस समय को जानने के लिए तुम लोगों के पीछे घूम रहे हो, वह बहुमूल्य समय तुम्हारे साथ है, इसकी कद्र करो। वह बूढ़े आदमी की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था और अपने गंवाए हुए समय पर अफसोस कर रहा था। बूढ़े की बातों से वह समय का सदुपयोग करने लगा। बूढ़े की बातों ने उसे एक जिम्मेवार इंसान बना दिया। दोस्तों, इस समय की कद्र करो, नहीं तो इस रेत की तरह आपके हाथों से फिसल जाएगी।